हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में चंद मेजर इंपॉर्टेंट ओशनिक करंट्स के बारे में देखा। आज के इस चैप्टर में हम उसी ओशनिक वाटर के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि क्या उसमें और भी इसी तरीके के मूवमेंट्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम करंट्स, यानी कि टाइड्स या वेव्स वगैरह। तो आइए इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक द सन, मून एंड द विंड्स, एंड इंटरनल फोर्सेस लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा। सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल भी जो है अर्थ पर कई बार बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। देखिए, हम सभी पता है हम सभी को कि अर्थ रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है सन के, रिवॉल्व हो रहा है सन के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि कई बार जो है वो सन से दूर भी होता है और कई बार सन के बहुत करीब भी होता है। और हमें पता है कि मून जो है वो कॉन्स्टेंट एक प्लैनेट की तरह या फिर एक कॉन्स्टेंट सैटेलाइट की तरह वो अर्थ के आसपास घूम ही रहा है। तो ये दोनों प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं अर्थ पर इफेक्ट दिखाते ही हैं, यानी कि सेंट्रिपेटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस जो है सन के और मून के वो अर्थ पर कई बार जो है वो हावी होते हैं। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमें अर्थ के ओशन में इस तरीके के वेव्स या फिर टाइड्स या फिर अलग अलग ओशनिक मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अर्थ के इंटरनल जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर, कई बार अर्थ के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है, और सैलिनिटी यानी कि जो ओशन वाटर की सैलिनिटी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, और अर्थ पर जो क्रस्ट पर है और ओशनिक फ्लोर पर जो डेंसिटी है वो किस तरीके से है। इन सभी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी हमें इस तरीके के मूवमेंट्स जो है वो ओशन पर या फिर ओशन वाटर पर देखने को मिलेंगे। द मेजर मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री। हम सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि तीन मेजर मूवमेंट्स हैं ओशन के। सबसे पहला वेव्स, दूसरा जो है वो टाइड्स, और तीसरा जो है ओशनिक करंट्स। हमने पिछले चैप्टर में ही इसके बारे में बात किया हुआ था। वेव्स एंड ओशन करंट्स आर हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स, यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये ओशन है, ओशन सरफेस है, तो वेव्स और ओशनिक करंट जो है वो हॉरिजेंटल हैं, यानी कि इसी मूवमेंट में जो है वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि फोर्स के साथ, स्पीड के साथ, प्रेशर के साथ ही वो बढ़ते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल ही वो आगे बढ़ते हैं। बट वेल द टाइड इज काइंड ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। टाइड जो है वो थोड़ा बहुत वर्टिकल है, यानी कि एक ऊपरी तलाव पर एक जंप हमें देखने को मिलता है टाइड का। कई बार जो है टाइड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपको पता हो तो ओशन के फ्लोर पर या फिर ओशन के सरफेस पर जो बड़े बड़े बोट्स वगैरह जो जाते हैं, बड़े बड़े कार्गोज वगैरह, वो इसी टाइड के कहीं ना कहीं प्रेशर पर इन्हीं वेव्स का ही इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि ओशंस और ओशनिक करंट्स और वेव्स जो है वो हॉरिजेंटल हैं, टाइड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं स्लाइडली वर्टिकल होते हैं। तो आइए वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वेव्स आर नथिंग बट ऑक्सीलेटरी मूवमेंट्स दैट रिजल्ट इन राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सरफेस। जाहिर सी बात है कि ओशन फ्लोर पर थोड़ा बहुत जो डिस्टरबेंस हमें देखने को मिलता है तो वेव्स के तौर पर वो आता है। ऑक्सीलेटरी एक मूवमेंट होता है उनका, तो वो ऊपरी तल पर आते हैं और फिर अगेन गिर जाते हैं, अगेन राइज होते हैं और अगेन गिर जाते हैं, तो इन्हें वेव्स कहा जाता है। वेव्स आर काइंड ऑफ हॉरिजेंटल मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। अभी हमने इसके बारे में बात किया, ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं होते। देयर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। अभी जैसे कि हमने देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों ही एक्ट करते हैं, तभी जाकर ये ओशनिक सरफेस पर हमें इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल ये एनर्जी है जो जनरेट होती है, जो वाटर को पुश करती है, ना कि वाटर इटसेल्फ। वाटर जो है वो बस इस एनर्जी के रास्ते में आ रहा है, इसीलिए इस वाटर पर इस तरीके का एडवर्स हमें इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो वेव्स जो है वो दरअसल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी फॉर द वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय द विंड। विंड यानी कि द रनिंग एयर, तो रनिंग एयर को हम विंड कहेंगे। तो इसी विंड का प्रेशर जो है वो, इसी विंड का एनर्जी जो है वेव्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ही योगदान देता है। अ वेव हैज टू मेजर पार्ट, दैट इज अ रेज्ड पार्ट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, व्हाइल द लो पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रॉफ। तो आप देख सकते हैं वेव इस तरीके से हो सकते हैं, छोटे छोटे जो या फिर बड़े बड़े जो वेव्स होते हैं। तो द रेज्ड पार्ट यानी कि जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसे क्रेस्ट कहा जाता है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का उसे ट्रॉफ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रस्ट है और ये ट्रो है, और ये हॉरिजेंटली जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का हमें वर्टिकल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। और ये वेव लेंथ है, वेव की हाइट कितनी हो सकती है, वेव की लेंथ कितनी हो सकती है, और ये क्रस्ट और ये ट्रो है, और ये एक वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ओशनिक फ्लोर है या फिर ओशन सर्फेस है, वाटर सर्फेस भी आप कह लें। सबसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ओशनिक मूवमेंट है वो है टाइड्स।
Tides are periodical rise and fall of the sea levels once or twice a day caused by the combined effect of gravitational forces exerted by the sun, the moon and rotation of the earth. ज्यादातर external जो बाहरी forces हैं sun और moon के जो gravitational pulls हैं जो कि earth पर ये प्रभाव होते हैं तभी जो है हमें tides देखने को मिलते हैं. बहुत ही ज्यादा जो है वो influence होता है tides का. अब वो majorly नहीं आते, दिन में सिर्फ एक या दो बार हमें tides देखने को मिलते हैं. They are vertical movements of the water and are different from movements of ocean water. Caused by meteorological effects like winds and atmospheric pressure changes. तो बाकी के जो waves या फिर ocean currents हम देखते हैं वो इतने harmful या फिर इतने pressure के साथ वो नहीं आते जितने के tides आते हैं. तो tides का phenomena ही different है, ये literally vertical होते हैं, horizontal ज्यादातर नहीं होते. The gravitational pull of moon and sun on earth causes these tides to occur. तो अर्थ रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मून और सन कांस्टेंट कंपेनियंस हैं, तो इन सभी तीनों के अपने अपने जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स जिसे हम कहते हैं, एक पुश करता है और एक पुल करता है, तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर एक पिक्चर के साथ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल पुल जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर हमें हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर कम है वहाँ पर हमें लो टाइड्स देखने को मिलते हैं. दुनिया के पूरे ओशंस जहाँ जहाँ हैं हमें ये टाइड्स देखने को मिलते हैं. तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट ओशनिक मूवमेंट है, वो है ओशन करंट्स. हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में इन डिटेल बात किया हुआ है. द ओशन करंट्स आर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ मास ऑफ वाटर इन अ फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस. हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि एक कॉन्टिनेंट जो है ये करंट, ओशनिक करंट जो है वो पास होते ही रहते हैं. तो वेव्स और टाइड्स जो है वो चंद वक्त के लिए, चंद मिनट या चंद घंटों के लिए होते हैं, लेकिन ओशनिक करंट जो है वो बहुत ही ज्यादातर वाटर मास को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक डिफाइंड डायरेक्शन बहुत ही दूर के डिस्टेंस तक जो है वो कवर करते हैं. दे आर जस्ट लाइक अ रिवर फ्लोइंग इन एन ओशन. हमने इसके बारे में भी पिछले चैप्टर में देखा कि ओशन में ये रिवर्स की तरह काम करते हैं. ओशन करंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय विंड्स, डेंसिटी डिफरेंस इन ओशन वाटर्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर, सैलिनिटी, ग्रेविटी एंड इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक्स. देखिए सभी जितने भी टाइड्स हो, वेव्स हो या फिर ओशन करंट्स हो, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के रिजल्ट से ही हमें देखने को मिलते हैं. ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.